न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथ ही न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा भी आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। फिलहाल शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे पहले दुर्ग का ही जिक्र, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, रैली को संबोधित किया है। भिलाई में रैली को संबोधित करते हुए नजर आए अमित शाह। दुर्ग से मध्य प्रदेश के लिए अब सीधे रवाना हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर से बालाघाट के लिए रवाना हुए हैं। बालाघाट में भी मेगा शो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आयोजित किया जाना है, लेकिन उससे पहले भिलाई की भी ये तस्वीरें आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और आमजन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए यहां पर पहुंचे, रैली को संबोधित किया। कह सकते हैं कि चुनावी शंखनाद बीजेपी का छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के साथ ही जिसका आगाज हो चुका है। तो भिलाई में रैली को संबोधित किया और अब सीधे बालाघाट के लिए रवाना हो चुके हैं अमित शाह। बालाघाट में भी विशाल जनसभा का आयोजन, जहां पर केंद्रीय गृहमंत्री संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता रहे हैं किस तरह से भारी उत्साह के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का स्वागत किया। रविशंकर स्टेडियम में बड़ी जनसभा का आयोजन था, बीजेपी कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह आपने देखा। और अब सीधे मिशन एमपी की राह पर अमित शाह पहुंच चुके हैं, यानी कि बालाघाट अब से कुछ ही देर बाद पहुंच जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के बाद शाह का मिशन एमपी, जिसे लेकर हम लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। बालाघाट से इस वक्त एक जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कुछ ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं। इस तरह की खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं कि बालाघाट में स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयारियां की गई हैं, बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा के भी तगड़े इंतजाम हैं। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम लगातार गृहमंत्री कर रहे हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की धरती पर होंगे। जनसंपर्क अभियान जो बीजेपी का लगातार एक बड़ा रूप लेता जा रहा है, इसका आगाज मध्य प्रदेश की धरती से अमित शाह करने वाले हैं। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की शुरुआत करेंगे, 6 दिनों तक ये यात्रा चलने वाली है और शहडोल में इसका समापन होगा। 27 जून का दिन होगा जब शहडोल में गौरव यात्रा का समापन होगा। तो अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बालाघाट में मौजूद होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और केंद्रीय गृहमंत्री के स्वागत के लिए पूरी तरह से बालाघाट तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए। पुलिस लाइन से हेलीपैड पर अगुवाई करेंगे, साथ ही साथ गौरव यात्रा के शुभारंभ में भी वो मौजूद रहने वाले हैं। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके साथ हैं, प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग भी मौजूद हैं और पूरे भव्यता के साथ यहां पर गृहमंत्री का स्वागत किया जाना है, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए उस वक्त की जब मुख्यमंत्री खुद यहां पर पहुंचे, और अब इंतजार सिर्फ किया जा रहा है उस वक्त का जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे और उसके बाद उनका स्वागत हो और आगे जनसभा को संबोधित करने का जो कार्यक्रम है और यात्रा को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो भी आगे बढ़ सके। लेकिन उससे पहले आप देखिए कितने व्यापक इंतजाम, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत के लिए, अगवानी के लिए। एक तरफ छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित किया बीजेपी की तरफ से, चुनावी शंखनाद छत्तीसगढ़ में गूंजा, और अब बालाघाट में जब केंद्रीय गृहमंत्री होंगे किस तरह से उनका स्वागत किया जाना है उसकी तैयारियां भी आप देख ही रहे हैं, साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। अमित शाह यहां पर यात्रा का भी आगाज करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत के लिए भव्य तैयारियां। हेलीपैड पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा। से कुछ ही देर बाद किसी भी वक्त ये खबर सामने आ सकती है कि गृहमंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी इंतजार किया जा रहा है मिशन एमपी की राह पर केंद्रीय गृहमंत्री। और आप कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से चुनावी शंखनाद कहीं ना कहीं, जिसकी अटकरें पहले से ही लगाई जा रही थी कि जैसे जैसे केंद्रीय नेताओं का दौरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा, आप समझ सकते हैं पार्टी अब फुल फॉर्म में आ चुकी है। विधानसभा चुनाव इसी साल, और उससे पहले केंद्रीय नेताओं का लगातार दौरा होना मध्य प्रदेश की धरती पर भी बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि चुनावी मोड में अक्सर ही बीजेपी रहती है,
कार्यकर्ता अक्सर इसी उत्साह के साथ काम करते हैं पार्टी के लिए, लेकिन फिर भी एक औपचारिक शुरुआत चुनावी दौरों की। आपको ये भी निश्चित ही जानकारी होगी, अब से कुछ ही दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी दौरा होगा, यानी कि सिलसिलेवार पूरी लिस्ट और पूरा शेड्यूल अब कहीं ना कहीं साफ दिखता है। इस तरह से बीजेपी ने चुनावी जनसभाओं का आगाज कर दिया है, लगातार स्वागतें भी प्रदेश के मुख्यमंत्री दे रहे हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी, और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश लगातार की जा रही है, जिससे विधानसभा चुनाव में हर एक कार्यकर्ता पूरे बल के साथ जमीनी स्तर पर पहुंचे, पार्टी के पक्ष में माहौल बना सके। और इसीलिए केंद्रीय नेताओं का आना बहुत जरूरी होता है। जब जब इस तरह से उत्साहवर्धन उनका किया जाता है, निश्चित ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। जनसंपर्क अभियान, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भी इस खास कार्यक्रम का आयोजन, महाजनसंपर्क के जरिए टिफिन बैठकें भी आपने देखी बीजेपी की, और अब केंद्रीय नेताओं के दौरे भी। तो आप देख रहे हैं, अब से कुछ ही देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन किस तरह की तैयारियां की गई और क्या कुछ सुगबुगाहटें हैं ये भी हम समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र सिंह चौहान का हम रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ नजारा है वहां पर, क्योंकि मुझे लगता है कार्यक्रम स्थल पर ही आप मौजूद हैं, क्या लोगों का जुटना वहां पर शुरू हो चुका है? हाँ देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पर काफी भीड़ जुट चुकी है, और अभी अभी सूचना मिली कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का जो विमान है वहाँ दुर्ग से निकल चुका है और वो कुछ ही देर में यहाँ बालाघाट पहुंचने वाला है। तो इस सभा स्थल पर पहुंचने के पहले जो रोड शो होगा, और रोड शो के बाद अमित शाह यहाँ पर आएंगे, और यहाँ सभा स्थल पर सारी तैयारियां हो चुकी है, और यहाँ पर देखेंगे कि पूरा जो सभागृह है वो पूरा खचाखच भरा हुआ है, यहाँ सभा स्थल पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, और काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, और ये आदिवासी बैठ है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी बाहुल इलाका में आदिवासी वर्ग यहाँ बड़ी संख्या में देखने को नजर आ रहा है। इसके अलावा अभी तक मंच पर अभी भाजपा की जो सह प्रभारी है वो पंकजा मुंडे नजर आ रही है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक है गुरुशंकर बिसेन। अभी जब रोड शो शुरू होगा तो अमित शाह और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, ये सब सभी लोग एक साथ पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जो कि रानी दुर्गावती यात्रा है इसकी शुरुआत करने शुभारंभ करेंगे, तो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी उनके साथ ही होंगे। तो अभी सभा स्थल पर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, और सूचना यही मिली कि कुछ ही देर में अमित शाह यहां पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल शैलेंद्र, केंद्रीय नेतृत्व की हम बात करें तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक्टिव हो गया है। इससे पहले देखा था गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, वहां भी इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और मध्य प्रदेश में भी। शैलेंद्र, देखिए महाकौशल, ये जो बालाघाट है महाकौशल में आता है, और महाकौशल राजनीति के हिसाब से काफी अहम है, और यहाँ पर महाकौशल में 38 सीटें आती है, और पिछले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर भाजपा को तगड़ा झटका लगा था, यहाँ पर 38 सीटों में से भाजपा केवल 13 सीट ही जीत पाई थी, और यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ी लीड हासिल की थी। जो वर्ष 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ था यहाँ पर कांग्रेस को 24 सीट हासिल हुई थी, उस हिसाब से महाकौशल में भाजपा ने अभी से रणनीति के काम शुरू कर दिया है। भाजपा के सारे दिग्गज नेता महाकौशल पर फोकस किए हुए हैं, और मध्य प्रदेश के जो मिशन 2023 की जो चुनाव का शंखनाद है वो भी भाजपा इसी बेल्ट से इसलिए कर रही है क्योंकि इस बेल्ट में सबसे बड़ा आदिवासी बाहुल इलाका आता है, और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या जो बहुत बड़ा फैक्टर है। मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ आदिवासी वोटर्स हैं जो कि सत्ता के लिए सबसे बड़ी अहम सीढ़ी माने जाते हैं, तो इस महाकौशल से भाजपा ने सभी बड़े नेताओं के ठीक है तमाम सियासी समीकरण जो कि बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए भी, और ये निश्चित तौर पर समझ आ गया है, ये दिखता भी है। आप लगातार नजरें बनाए रखिएगा शैलेंद्र, हम सीधे पहुंचेंगे आप तक जैसे ही गृहमंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे, लेकिन तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीधी तस्वीरें न्यूज 18 सुबह से ही आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है। बहरहाल रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का, जहां पर भोपाल से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, कलयुगी बेटी की करतूत सामने आई है, प्रॉपर्टी के लिए सारी हदें पार कर दी गई, बेटी ने माता पिता को बंधक बनाया, बुजुर्ग माता पिता के साथ जमकर मारपीट की गई है, क्रिकेट के बैट और लाठी डंडों से मारा गया है। 3 महीने से अपने ही घर में बुजुर्ग बंधक बना हुआ था, मारपीट इसके साथ की जा रही थी, तस्वीरें भी आप देखिए विचलित कर देने वाली तस्वीरें।
राजधानी भोपाल का ये पूरा मामला प्रॉपर्टी के लिए, सारी हदें देखिए किस तरह से पार की गई। बेटी ने माता पिता को बंधक बनाया था, मारपीट की जा रही थी, करा के लाए थे। तो वो धीरे धीरे वो एक 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 करके हमारे सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और हम हेल्पलेस टाइप के हो गए। हमारे पास कोई साधन नहीं था। इधर उसने हमारे टेलीफोन जो थे, वो टेलीफोन जो उसने हमारे उसने अपने पास रख लिया। पहले बिल्कुल हमारा कहना मानती थी, एक एक बात मानती थी। अब एक एनजीओ चलाता है अहमद अल्ताफ अंसारी, वो इसको भड़काता रहता है। अच्छा, ऐसा कर बस ऐसा कर लेता अल्ताफ अंसारी के चक्कर में। हाँ, बस वो अल्ताफ अंसारी की अपना फैमिली है, परिवार है, सब कुछ। मारपीट आपके साथ कंधे पे काम करिए, कंधे पे नहीं करी, छाती पे चढ़ गया और ये देखिए गला घोटा है। तो ये बेहद गंभीर पूरा मामला और शर्मनाक भी है कि किस तरह से एक बेटी अपने माता पिता के साथ ऐसा सलूक कर सकती है। सही, जितेंद्र से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जितेंद्र, किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता नजर आती है, क्या है पूरा मामला? जितेंद्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? देखिए, अगर बात करें तो ये पूरा मामला है, ये एक पारिवारिक कलह से जुड़कर है, मगर एक कलयुगी बेटी ने किस तरह से अपने जो माँ बाप के साथ बंधक बनाया, उन्हें 4 महीने तक उनके साथ जमकर मारपीट की और फिर उनको जब खाना भी नहीं दिया, उनके साथ बैट बॉल बल्ले और रॉड से हमला किया। दोनों माता पिता बुजुर्ग हैं, अब अस्पताल में भर्ती है। कलयुगी बेटी का नाम निधि सक्सेना है, अरेरा कॉलोनी पॉश कॉलोनी में रहती हैं। बताया जा रहा है कि जो उनके पिता हैं वो SBI बैंक से रिटायर्ड जो मैनेजर रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको लेकर विवाद हुआ और कलयुगी बेटी ने 4 महीने तक अपनी माँ और अपने पिता और अपने जो दिव्यांग भाई को 4 महीने तक बंधक बना के रखा घर में, उनके साथ मारपीट की। जो उनके पड़ोसी हैं उन्होंने जब एक दिन उन्हें देखा कि बंधक बनाए हुए हैं, तो फिर 4 महीने बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की। हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंची, फिर उनको घर से आजाद कराया और अभी वो अस्पताल जो सरकारी अस्पताल में इलाज ले रहे हैं। कह सकते हैं कलयुगी बेटी ने किस तरह से पैसे की खातिर अपने माँ बाप के साथ जमकर बर्बरता की। इस पूरे मामले में एक मोहम्मद नाम का जो युवक है उसकी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है, क्योंकि मोहम्मद नाम के युवक के कहने पर ही जो निधि सक्सेना ने इस तरह से अपने माँ बाप के साथ प्रताड़ना दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं दुर्ग से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां बीजेपी विधायक का निधन हो गया है। वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन का निधन हुआ है, जानकारी सामने आ रही, दुखद खबर। रामकृष्ण अस्पताल में अंतिम सांस उन्होंने ली, कई दिनों से बीमार चल रहे थे विद्या रतन भसीन। ये भी जानकारी कि बीजेपी के विधायक, जिले के इकलौते बीजेपी विधायक भसीन थे। अपूर्णीय क्षति पूरे परिवार के लिए, और ये दुखद सूचना कुछ ही देर पहले निकलकर सामने आई है, बीजेपी विधायक का निधन हो गया। वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं रहे, रामकृष्ण अस्पताल में इलाजरत थे, और ये भी जानकारी थी कि कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे, और इस बीमारी के चलते ही विद्या रतन भसीन जिनका निधन हुआ है। जिले के इकलौते बीजेपी विधायक भसीन थे, जनाधार काफी बड़ा था, लेकिन इस बीच ये दुखद सूचना। वैशाली नगर विधायक विद्या रतन भसीन, जिन्होंने आज अंतिम सांस ली, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे और इसी बीमारी के चलते उनका आज निधन हो गया है। तो रामकृष्ण अस्पताल में आज अंतिम सांस ली है, कई दिनों से बीमार भी थे विद्या रतन भसीन। जिले के इकलौते बीजेपी विधायक के तौर पर उनका नाम जाना जाता है। रामकृष्ण अस्पताल में काफी दिनों से इलाजरत थे। सही कि मिथिलेश हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी इस दुखद खबर पर अभी तक? देखिए, अभी अभी कुछ देर पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है कि दुर्ग जिले के इकलौते जो बीजेपी के विधायक थे विद्या रतन भसीन, उनका लंबी बीमारी के बाद में निधन हो गया। उनका रायपुर के एक निजी चिकित्सालय में इलाज चल रहा था और आज वो इलाज के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आज दुर्ग जिले में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, एक तरफ कार्यकर्ताओं में उत्साह था, तो दूसरी बात जैसे ही इनका कार्यक्रम खत्म हुआ कुछ देर के बाद में जब ये खबर लगी तो लोग कार्यकर्ता काफी निराश हुए, काफी दुखी हुए हैं, और ये
दुखद खबर अभी सामने आई है। तो किस कारणों से क्या क्या बीमारियां थी उनका ये बताया जा रहा है कि अनेक तरह की बीमारियां थी, बीपी शुगर के अलावा कई तरह की बीमारियां थी जिससे वे जूझ रहे थे और उनको वेंटिलेटर में रखा गया था। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ था कि वे जब आखिरी आखिरी में ये कहा जा रहा था कि अब वे नहीं बच पाएंगे तब वो सामने आए थे और जीवित निकल कर आए थे और आज जो है लेकिन जिंदगी और मौत की लड़ाई में आज वो जिंदगी हार बैठे हैं, आज उनकी मौत हो गई है। तो बीजेपी में काफी शोक की लहर दौड़ पड़ी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। अब बात करेंगे विदिशा की। विदिशा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक लापरवाह सिस्टम ने जिंदा महिला को मृत घोषित कर दिया कागजों में, जिससे महिला को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। कागजों में मृत महिला सुशीला ने बताया कि उसे ग्राम पंचायत के समग्र आईडी में मृत घोषित कर दिया गया है। महिला के पति ने भी सचिव आसिफ खान पर महिला को कागजों में मृत घोषित करने का आरोप लगाया और इस मामले में एसडीएम ने सचिव के खिलाफ एक्शन के साथ ही 3 दिन में जांच का भरोसा दिया। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। भोपाल में नहीं होगा पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो, पीएमओ ने नहीं दी रोड शो के लिए अनुमति, 27 जून को एमपी दौरे पर आ रहे पीएम। भोपाल दौरे पर 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित, सीएम शिवराज ने दी जानकारी। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कल जब पूरी दुनिया योगमय हुई तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता योग करता नहीं दिखा। मणिपुर में जारी हिंसा और तनाव पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, सारी समस्याओं का जल्द होगा समाधान। नहीं रुक रहा फिल्म आदि पुरुष का विरोध, अब संस्कृति बचाओ मंच ने भी मनोज मुंतशिर को चेतावनी, कहा मुंतशिर मध्यप्रदेश आए तो उन्हें पहनाएंगे पुरानी जूतों की माला। लाडली बहना योजना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, योजना में लाभुकों की पात्रता आयु 23 से घटाकर 21 वर्ष होगी, उम्र सीमा में संशोधन के बाद 12 लाख पात्र। भोपाल कलेक्टर के आदेश के बावजूद राजधानी में चल रहा हुक्का बार, बैरागढ़ गांधीनगर और एमपी नगर में कार्रवाई। पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर मिली हार के बाद बीजेपी सतर्क, जनजातीय क्षेत्रों को साधने की कोशिश तेज, गृहमंत्री अमित शाह बालाघाट से करेंगे आगाज। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ सिटी।